हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं छत पे आ रखी हूँ सनबाथ लेने। अभी मुझे नाश्ता भी करना है बट मेरा मन ही नहीं हो रहा यार। धूप अच्छी लग रही है, मन कर रहा है यहीं पे नाश्ता कर लूँ बट यहाँ पे ना प्रॉपर जगह नहीं है यार बैठने की। सर ना ग्रीनरी, ओ शिट यार, ये प्लेन का भी ब्लॉग नहीं बना देते मेरे को। चला जब भाई। वैसे ना मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और ना पता है मेरी छत से इतना ज़्यादा पूरा ग्रीन जंगल दिखता है ना, मैं दिखाती हूँ, पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है यहाँ से। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जंगल हो यहाँ पे, इतना ज़्यादा ग्रीन 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 दिखता है ना। हमारे ना एक सर हुआ करते थे, वो ना स्पोर्ट्स टीचर थे, तो उनको ना नेचर से बहुत प्यार था। एंड उनको नेचर से इतना ज़्यादा प्यार था ना, वो ना पेड़ों से बातें करते थे और जानवरों से बातें करते थे। मुझे उनकी याद आ जाती है कभी कभी, जब मैं बोलती हूँ ना मैं ग्रीन ग्रीन पेड़ों को देखो इनसे बातें करूँ, तो मुझे उन सर की याद आ जाती है। वो देखो नीचे डॉगी सो रही है। इसके बड़े मज़े हैं, पूरी सनबाथ का मज़ा ये लेती है, पूरा दिन धूप में, पूरा दिन धूप में। कुछ भी हो यार, धूप में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, सर्दियों में ऑफ कोर्स, नॉट इन गर्मी। उस गिलहरी को देखना, वो भी सनबाथ ले रही है। कैसे बैठी है यार ये गिलहरी। ओ यार गिलहरी से मुझे याद आया, कुछ टाइम पहले जब हम बाहर आ करते थे, कैंप में नहीं हुआ था हमारा क्वार्टर, तब क्या था कि हम लोग रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते थे, मैं और मेरा भाई 5 बजे जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे तो हमें रास्ते में ना एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा मिला, इतू सा छोटा सा बच्चा था। आई थिंक पेड़ से गिर गया था कि उसके पास पेड़ ही था, तो वो वहाँ से शायद नीचे गिर गया किसी भी तरह से। तो हम लोगों ने देखा कि वो जो गिलहरी का बच्चा है ना, उसके जस्ट पास में कार खड़ी है और वहाँ पर ना एक बिल्ली बैठी हुई थी बहुत बड़ी। तो हमने क्या किया, उस बिल्ली को भगा दिया और हमने कोशिश की कि हम गिलहरी के बच्चे को बचाएं। तो पहले मैंने सोचा उसे हाथ से बचाऊं, पता नहीं मैंने क्यों नहीं उठाया, मतलब मैंने उधर एक प्लास्टिक का कफ रखा था, मैंने उसको उसके ऊपर रख कर मैंने कोशिश की उसे उठाऊं। एंड जस्ट मैं सोच रही थी कि उसको कैसे उठाऊं, उससे ना थोड़ा उठाना डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो बस थोड़ा सा मैं कुछ और सोच रही थी। इतनी देर में ना क्या हुआ कि वो जो बच्चा है बिल्ली का, वो गिलहरी का बच्चा, वो थोड़ा चल रहा था तो उसके साथ कप भी मूव हो रहा था। तो ये ना पता नहीं उस बिल्ली ने कहाँ से देख लिया, वो वापस आई, उतनी जोर से ना उसने उसको किक मार के वो लेके चली गई ना उस बच्चे को। मतलब यार उस चीज़ का ना मुझे आज तक अफसोस है यार। अगर पता है हमें ना डिले नहीं करना चाहिए कोई भी रिएक्शन, अगर मैं उस टाइम पर तुरंत हाथ से उठा लेती तो शायद आज मैं जिंदा होता। जस्ट जब भी मैं गिलहरियाँ देखती हूँ ना तो मुझे वो बात याद आ जाती है, आई फील सो सो बैड यार। मतलब शायद मैं उसे बचा सकती थी, अगर मैं उसे हाथ से उठा लेती ना तो वो मतलब बच जाती यार। बट मैं आज छत पे सुबह गिलहरी की बात कर रही थी और मेरी विंडो पे गिलहरी आ गई। क्यूट होती है ना ये। सो आज मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट तो नहीं किया, बस मैं अभी शाम को मम्मी के साथ थोड़ी देर घूमने गई थी, अच्छा मूड करने, मेरा माइंड अच्छा हो जाता है। मैं थोड़ा देर घूम के आऊँ ना फिर मुझसे ज़्यादा स्पीड में काम होता है, मतलब थोड़े कम हो जाए, लेज़ी फील होने लगे तो मैं चली जाती हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। सो बस मैं मम्मी के साथ गई थी, वहाँ पर मुझे सैंडी मिली जो कि बहुत क्यूट थी, सो बस मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप बनाई। क्या नाम है इसका? सैंडी। काफ़ी फ्रेंडली सैंडी। हेलो सैंडी, काटता तो नहीं है? अच्छा। ज़्यादा खुश है सैंडी। दीदी कहाँ है? सैंडी दीदी कहाँ? सैंडी रोज घुमाने आना होता है इसको। हाँ मिट्टी खा रहे हैं। हेलो करता है ये सीधा जंप करता है, भी सीख रहा है ना। सो बस एक्चुअली ये जो व्लॉग है ना ये मैं खुद के लिए शूट कर रही हूँ, ताकि कभी भी मैं डीमोटिवेट हूँ या मेरा मन हो कि यार अब नहीं बनाना एक्स वाई रीज़न की वजह से, तो मैं खुद को मोटिवेट कर सकूँ कि नहीं यार तब नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ना। सो जस्ट इसीलिए ये व्लॉग मेरे लिए, फॉर मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देखा तो इट मीन्स अलॉट, और
प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं की, जस्ट जो जो रिकॉर्ड किया वो सीधा डाल दिया, और मुझे नहीं पता इसकी टाइमिंग कितनी जाएगी, बट बस डाल दिया यार, आज तो आज के लिए चलता है। सो मतलब कल से मैं ज़्यादा टाइम इस पर दे पाऊँगी ना, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।